ठीक है, आज की जो हमारी क्लास का जो मेन टॉपिक है, सबसे पहले कि डॉग फूड शॉप को इंस्टॉल कैसे करेंगे आप लोग, डॉग फूड शॉप CS6 किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डॉग फूड शॉप को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक लिंक रखा हुआ है, मैंने नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट द लिंक, ठीक है ना, सिलेक्ट द लिंक, जहाँ से ये लिखा हुआ है ना HTTP पे ड्राइवर, तो आपने इस पूरे ड्राइवर को जहाँ से सिलेक्ट हो रहा है यहाँ से आपने क्या कर लेना है, इसको जस्ट हाईलाइट करना है लिंक को अच्छी तरह से। ठीक है, इस लिंक को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको लिंक को करना है कॉपी। ठीक है, आपने इस लिंक को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपने आना है अपने गूगल ड्राइव के ऊपर, आपका इंटरनेट चलना चाहिए इंटरनेट, यहाँ गूगल ड्राइव के ऊपर आप एक न्यू टैग खोलेंगे, न्यू टैग खोलने के बाद उस लिंक को यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे आप पेस्ट करके एंटर करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर अडॉप्ट फूडी शॉप CS6 का इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके सामने, इसको आपके सामने मैं डाउनलोड करूंगा अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, क्लियर, अभी ये डाउनलोड हो रहा है, ये अडॉप्ट फूडी शॉप ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा, ये सिंपल नहीं ऐसा कुछ नहीं, कंप्लीट सॉफ्टवेयर है ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर अडॉप्ट, आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपने अडॉब फोटोशॉप को इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे यहाँ से उसकी जिप फाइल इंस्टॉल हो जाएगी, तमाम स्टूडेंट देखे देखे, आपने जब ये खुलेगा, लिंक खुलने के बाद आपने इसके ऊपर यहाँ क्लिक करना है डाउनलोड, आपने जैसे क्लिक करना है यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, डाउनलोड एनी वे। ठीक है, आपने इस बटन पे जैसे क्लिक करना है तो आपके सामने ये फोटोशॉप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ये देखे थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है और टाइम लेगा, इसको टाइम लेने दीजिएगा। जब ये अडॉब फोटोशॉप डाउनलोड हो जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, आपने एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, अगर आपके पास ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है आपके पीसी पे, आपके पर्सनल पीसी पे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि आपने ये प्लीज चेक, ठीक है, प्लीज चेक एंड कन्फर्म, ठीक है, चेक एंड कन्फर्म, ठीक है, क्या आपके कंप्यूटर पे कौन सा विंडोज है, विंडोज 7 इंस्टॉल है, ठीक है, विंडोज 7 इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर पे, या विंडोज एंड या आपके कंप्यूटर पे क्या इंस्टॉल है, विंडोज 10, ठीक है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा पहले। तो इसको कंफर्म किस तरह से करेंगे, यहाँ पे अगर आपके पास विंडोज 7 होगा तो आपके सामने विंडोज 7 का लेआउट आ जाएगा, ऐसा ही है ना, ठीक है, अगर विंडोज 10 होगा तो 10, कोई भी लेआउट हो, विंडोज 7 हो या विंडोज 10 हो, व्हाटसोएवर, आपने करना क्या है कि आपने जाना है इस जगह पे, नजर आ रहा है जहां सर, आपने यहां पे प्रेस करना है विंडो प्लस आर, कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, विंडो प्लस आर, ठीक है, क्या प्रेस करना है आपने, आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, विंडो प्लस आर, तो आपसे क्या, आपके पास क्या आ जाएगा, रन का डायलॉग बॉक्स खुला हुआ आ जाएगा। ठीक है, और रन के डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने क्या लिखना है, DXDIAG, क्या लिखना है आपने, DXDIAG, और यहां से आपने इंटर कर देना है, ठीक है, एंड देन इंटर, किस तरह से करना है, यहां देखें, ये डाउनलोड होने से पहले, ये भी आपके पीसी में डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसको इंस्टॉल करने से पहले आपने कंफर्म करना है, क्या आपने प्रेस क्या करना है, शॉर्टकट की विंडो प्लस आर, ये के कैसे प्रेस करेंगे, किस तरह से, आपने यहां से प्रेस करना है विंडो और आर, जैसे विंडो और प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये आ गया डायलॉग बॉक्स, ये देखे मैंने लिखा है ना यहां पर विंडो प्लस आर नजर आ रहा है, विंडोज कीबोर्ड से विंडो का ये वाला बटन दबाएंगे आप, ठीक है, और इसको दबाकर क्या दबाएंगे आप, विंडो प्लस आर, जब आप ये दबा देंगे तो यहाँ पर आपने ये प्रेस करना है, यहाँ देखें DXDIAG, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे DXDIAG, डायरेक्ट टेक डायग्नोसिस टूल, आप इसको ओके कर देना है। आपने सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास विंडोज जो इंस्टॉल हुआ है वो कितने बिट पे इंस्टॉल हुआ है, 32 बिट पे इंस्टॉल हुआ है या 64 बिट पे, ये किस तरह कन्फर्म करेंगे, यहाँ देखें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 10, और कौन सा वर्जन है ये, 64 बिट, कौन सा इंस्टॉल हुआ है, 64 बिट, जब आपने ये कंफर्म कर लिया कि भाई मेरे पास विंडोज 10 इंस्टॉल हुआ है और विंडोज 10 पे क्या इंस्टॉल हुआ है, 64 बिट,
क्लियर है यहां तक? 64 बिट क्लियर होने के बाद आपने इसको कर देना है बंद, और अब आपने कहां आ जाना है, अपने ब्राउजर के ऊपर। ये विंडो आपकी इंस्टॉल हो गई, डाउनलोड हो गई ना आपकी, आपके पास जब ये डाउनलोड हो चुकी है जिप फाइल, तो आपने इस जगह पे कॉर्नर पे क्लिक करना है। कहां पे क्लिक करना है? इस टास्क बार पर आपने यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, और कहां चले जाना है? शो फोल्डर पे। कहां पे आपने कहां चले जाना है? शो इन फोल्डर। आपने जैसे ही शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा CS6, नजर आ रहा है आपको? आपने CS6 के ऊपर राइट क्लिक कर देना है और इसको यही पे चेक कर देना है। कहां कर देना है इंस्टॉल करते हुए? यहां पे देखिए लिखा हुआ होगा चेक हियर, जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा CS6, ठीक है? डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे। कितने ऑप्शन आ रहे होंगे? दो ऑप्शन। यहां से दोबारा देखें, आपने क्या कर देना है इसके ऊपर? अगर किसी के पास विंडोज 7 से जिप है तो उसके ऊपर आप राइट क्लिक करके क्या एक्सट्रैक्ट हियर कर देंगे, क्या कर देंगे? एक्सट्रैक्ट हियर। विंडोज 7 अगर आपके पास है, लेकिन अगर विंडोज 10 के ऊपर आपने डाउनलोड किया है तो आपने क्या करना है? यहाँ पे डबल क्लिक, डबल क्लिक के बाद CS6 आ गया। CS6 के अंदर आपने दो, आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है लाइसेंस, आप सेटअप चलाने से पहले सबसे पहले किसके ऊपर क्लिक करेंगे? लाइसेंस के ऊपर। लाइसेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से की जगह आ रहा है, ये जो ये वाला की है, इस पूरी की को आप क्या कर लेंगे? कॉपी। क्या कर लेंगे जनाब? कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको बंद कर देंगे, और ये जो सेटअप है इसको आपने डबल क्लिक कर देना है। तो आपसे पूछेगा एक्सट्रैक्ट ऑल, आपसे पूछ रहा है ना, तो आपने किस पे क्लिक करना है? एक्सट्रैक्ट ऑल या रन पे? आपने इसको क्लिक कर देना है रन पे। किस पे क्लिक कर देना है? रन पे। आपने जैसे ही रन पे क्लिक करना है, ये आपकी सॉल्यूशन शुरू हो जाएगी, ठीक है? यहां से देखें सॉल्यूशन शुरू हो रही है। मेरे पास इस कंप्यूटर से ऑलरेडी एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से आप जब इस तरह से करेंगे, देखें यहां पर आपसे आपके सामने आ रहा है, ठीक है? आपने सिंपल क्या कर देना है, इसको रन, ये देखिए रन, अभी ये रन होना स्टार्ट हुआ। जब ये रन होगा तो आपने क्या करना है? नेक्स्ट नेक्स्ट। क्या करना है आपने? नेक्स्ट नेक्स्ट। और आपसे पूछेगा कि भाई विंडोज पे, ये देखे मुझसे पूछ रहा है यहाँ से, ये देखे मैंने इसको यस कर दिया। यहाँ से आपके पास फॉरवर्ड पूछे क्या आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं, आपने बोला यस इसको मैं इंस्टॉल करना चाहता, आपने ओके कर देना है यहाँ। देखिए बहुत आसान है, देखिए ओके करने के बाद आप क्या करेंगे? नेक्स्ट, यहाँ से आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ठीक है? सिंपल नेक्स्ट। आपने यहाँ से भी नेक्स्ट करना है, यहाँ से भी नेक्स्ट, यहाँ से क्रिएट ऑन डेस्कटॉप आप छोड़ दें इसको। यहाँ पर जो शॉर्टकट की आपने कॉपी किया था ना, शॉर्टकट की आपने लाइसेंस की कॉपी की थी ना, कहाँ से? यहाँ से देखिए, आपने जो यहाँ से लाइसेंस की कॉपी की थी, ये वाला, इस पूरे लाइसेंस की को जो आपने यहाँ से कॉपी की हुई थी, आपने कहाँ क्या करना है? आपने इस लाइसेंस की को यहाँ पे पेस्ट कर देना, और क्या कर देना है? नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आपसे पूछेगा इंस्टॉल। फिलहाल मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। जब आप जैसे ही ये इंस्टॉल फिनिश होगा, आपके कंप्यूटर पे एडोब फोटोशॉप आ जाएगा। कहाँ पर? स्टार्ट पर, जैसे हमारा आ रहा है ना, एडोब फोटोशॉप CS6, क्लियर? तो ये सिंपल इंस्टॉलेशन है। आप चाहे तो USB से डायरेक्ट मेरे पास से यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? चाहे तो आप इस लिंक के ऊपर भी क्लिक करके आप इसको, इस लिंक को दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको, इस लिंक को यहाँ से आप कॉपी करेंगे, ठीक है? कॉपी करने के बाद आप इस लिंक को यहाँ पे गूगल ड्राइव के ऊपर सिंपल एक न्यू टैब लेकर आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इजी आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है सॉल्यूशन, बहुत इजी है, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपने क्लास को